नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पीएनबी बैंक के कस्टमर हैं और आप पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज करते हो और आपका जो पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड है वो आपसे कहीं रखकर भूल जाते हो या आपसे कहीं खो जाता है, तो आप उसे किस तरीके से ब्लॉक करा सकते हो या फिर बंद करा सकते हो, उसी का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और गवर्नमेंट से जुड़ी योजना के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आपका पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड या फिर किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड आपसे खो जाता है और वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाता है या उसका फिर वो कुछ मिसयूज कर लेता है, गलत उपयोग कर लेता है, जिस तरीके से आपके काफी सारे पैसे वो उड़ा सकता है आपके खाते से, तो दोस्तों उस टाइम आपको जैसे ही आपका एटीएम कार्ड खो जाता है तुरंत आपको उसे बंद कराना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आप उसे किस तरीके से बंद करा सकते हो उसके दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो SMS के द्वारा आप उसे बंद करा सकते हो। तो दोस्तों SMS आपको क्या करना है मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। दोस्तों SMS में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो भी आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, आपके ATM कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, उस मोबाइल नंबर से आपको क्या मैसेज करना है, उसमें सबसे पहले आपको लिखना है होट HOT और फिर स्पेस देना है एक। उसके बाद अपना जो ATM कार्ड का नंबर है वो 16 डिजिट का नंबर आपको उस पर लिख देना है और एक SMS कर देना है एक नंबर पर, वो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इस नंबर पर आपको जो है वो मैसेज भेज देना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। अब दोस्तों सोचे होंगे आपको आपका कार्ड नंबर नहीं पता है, तो दोस्तों आपका जो कार्ड नंबर है वो आप उस पर जब आपका जब ATM कार्ड आया होगा तो उस पर एक एनवेलप आता है, उस पर आपको एक पेपर मिलता है, उस पर मतलब आपकी डिटेल लिखी होती है कार्ड की, तो उस पर आपके जो कार्ड का 16 डिजिट का नंबर आपको मिल जाएगा या फिर आप अपने जो कार्ड का है वो फोटो भी खींच के आपको रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसे SMS भेज सकते हैं इस नंबर पर, तो जल्द से जल्द आपका जो है बैंक रिसीव कर लेगा आपका मैसेज और आपका ATM कार्ड को बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। याद रखना दोस्तों, जब तक ये मत मान लेना कि आपने मैसेज कर दिया आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, जब तक आपके पास कंफर्मेशन मैसेज नहीं आ जाए बैंक की तरफ से कि आपके जो ATM कार्ड की रिक्वेस्ट हमने डाल दी है या सक्सेसफुली बंद हो चुका है, तभी आपका ATM कार्ड बंद होगा। आप ऐसे ही नहीं मान लेना कि आपका जो ATM कार्ड वो बंद हो गया है, हमने मैसेज भेज दिया है। लेकिन दोस्तों जब तक आपके जो बैंक की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज ना आ जाए तो आप ये मत समझ लेना कि आपका ATM कार्ड बंद हो गया है। तो दोस्तों जो दूसरा तरीके की बात कर लेते हैं वो है कस्टमर केयर पे बात करके। तो दोस्तों कस्टमर केयर नंबर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा देता हूं। जो शुरू के दो नंबर हैं ये तो आपके टोल फ्री नंबर है और जो तीसरा वाला नंबर है इस पे आपका बैलेंस लगेगा। दोस्तों आपको जो ये नंबर है, अगर आप ये भी नहीं जानना चाहते तो ये नंबर आपको कार्ड के पीछे भी मिल जाएंगे देखने को। आपका जो पीएनबी बैंक का ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, उसके पीछे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर करके, तो उस पर आपको कॉल कर लेनी है, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही करनी है कॉल, आपको किसी और नंबर से नहीं करनी है, और उनसे कस्टमर केयर से आपको अपनी बात बतानी है, अपना रीज़न देना है कि आपका जो ATM कार्ड है वो आपका खो गया है या फिर आप उसे बंद कराना चाहते हो, किसी भी रीज़न की वजह से बंद कराना चाहते हो, पूरी डिटेल उन्हें बता देनी है। तो वो क्या होगा कि जो है आपकी जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे ATM कार्ड को बंद करने का, और आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी दे देंगे कि हाँ आपका ATM कार्ड जो है वो बंद हो गया है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ लेना कि आपका ATM कार्ड बंद हो गया है। लेकिन जब तक मैसेज या कोई रिस्पॉन्स ना आए तो आपका ATM कार्ड नहीं बंद होगा, ये ध्यान रखना, तो आपको उसे बंद कराना ही कम्प्लीटली ज़रूरी है। तो दोस्तों इन दोनों प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने PNB ATM कार्ड या डेबिट कार्ड को बंद करा सकते हो। दोस्तों अगर आपका किसी और बैंक का ATM कार्ड है तो वो भी आपको कुछ इसी तरीके से स्टेप उसके फॉलो करने हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। जो मैसेज डिटेल है वो अलग भेजी जाती है किसी और नंबर होते हैं, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो हर बैंक के अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको जो नंबर्स हैं वो आप गूगल कर सकते हो या फिर आपका जो डेबिट कार्ड होता है या ATM कार्ड होता है उसके बैक साइड पर भी हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर लिखे होते हैं, उन पर कॉल करके आप बात करके अपना जो है किसी भी बैंक का ATM कार्ड या डेबिट कार्ड बंद करा सकते हो। हाँ अगर जैसे आपका डेबिट कार्ड या ATM कार्ड खो गया है, अब आप सोचोगे हम नंबर कहाँ से लिखे, आप किसी और व्यक्ति का डेबिट कार्ड देख लेना सेम बैंक का, जैसे SBI का बंद करना है या PNB या बड़ौदा का, उसी बैंक का आपको डेबिट कार्ड बंदे उस बंदे का देख लेना है, उसके बैक पे नंबर लिखे होते हैं टोल फ्री नंबर, उसको देखकर भी आप जो है वो नंबर उन पे कॉल करके बंद कर सकते हो, क्योंकि जो नंबर होते हैं टोल फ्री वो हर बैंक के जो होते हैं सारे कस्टमर के लिए एक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग बैंक के लिए अलग होते हैं।
ये आपको याद रखना है। जैसे ये वीडियो मैंने बनाई है पीएनबी बैंक के लिए बनाई है, एसबीआई बैंक का आप एटीएम कार्ड बंद करना चाहते हो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देखकर आप अपना जो एसबीआई का एटीएम कार्ड बंद कर सकते हो। दोस्तों ये थी सिर्फ पीएनबी बैंक के एटीएम कार्ड के लिए, अर्जी नंबर दिखाए हैं मैंने, ये सिर्फ पीएनबी बैंक के एटीएम कार्ड के लिए ही यूज़ होंगे। तो इन्हें स्टेप को फॉलो करके आप अपने पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड इजीली बंद करा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी वीडियो देख के। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी हेल्प मिल जाए, और साथ ही हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।